रियलिटी शो बिग बॉस के छठे सीजन में नजर आई सपना भवनानी ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा सच उजागर किया है जिसे सुनकर हर कोई सहम जाएगा। सपना ने 20 साल बाद चुप्पी तोड़ी है और एक भयानक अनुभव से सबको रूबरू कराया है। सपना ने बताया कि जब वो 24 साल की थी तब शिकागो में बंदूक की नोक पर उनका गैंग रेप हुआ था। उन्होंने 20 साल तक अपने इस दर्द को दबाए रखा। सपना ने इस भयानक वाकये के बारे में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है। सपना लिखती है, मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं शिकागो चली गई। मैं उस रात बार के बाहर अकेली निकली। मैंने छोटी ड्रेस पहनी हुई थी और होठों पर लाल लिपस्टिक लगी हुई थी। उस समय मेरी उम्र 24 साल थी। मैं नशे में धुत भी थी, लेकिन इसी बीच पास से कुछ लड़के आए और उन्होंने मेरी कनपट्टी पर बंदूक रख दी। उसके बाद सबने मिलकर मेरे साथ सामूहिक बलात्कार किया। मुझे वो रात आज भी याद है। मैं कई सालों तक इस घटना को दिमाग में लगातार दबाती रही। सपना ने यह भी कहा कि मेरे साथ घटे इस भयानक हादसे को सबके सामने लाने में मुझे 20 साल लग गए, लेकिन मेरी तरह कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस सच को कहती नहीं है बल्कि सीने में दबाए रखती हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। सपना के इस साहस की सोशल मीडिया पर खूब प्रशंसा हो रही है। करीब 70,000 लोग उनके इस पोस्ट को लाइक कर चुके हैं और उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं।